नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा में कार्यरत हूँ। आइए आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ये आज का हमारा एजेंडा है। हम बात करेंगे किस प्रकार एक्सेल पे हम काम कर सकते हैं, वर्कबुक क्या होती है, किस तरह से नई वर्कबुक बनाई जा सकती है, वर्कशीट क्या होती है, सेल क्या होता है, किस प्रकार से हम जूम फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार से हम एक्सेल में हेल्प ले सकते हैं। एक्सेल क्या है? व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007? ये एक्सेल का एक नया वर्जन है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें हमें डेटा को एनालाइज करने की सुविधा है और इस तरह के तमाम टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। किस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 को ओपन किया जा सकता है? चित्र में आप देख रहे हैं, इसका एक आइकन दिया गया है। आप स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करके प्रोग्राम में जा कर के ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, या एक्सेल के लोगो पर भी आप सीधे क्लिक कर सकते हैं। एक्सेल का इंटरफेस आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। किस प्रकार एक्सेल का इंटरफेस किन किन बटन्स और मेन्यूज़ के साथ अवेलेबल है ये हम देख पा रहे हैं चित्र में। सर्वप्रथम टॉप कॉर्नर पर टाइटल बार, उस टाइटल बार में दाहिनी ओर क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन है। क्लोज बटन से आपका एक्सेल इंटरफेस क्लोज हो जाएगा, पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, उसके बाद रिबन, हर टैब के साथ एक रिबन है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जो टेबुलर फॉर्म में उसको हम सेल कहते हैं। ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार निचली तरफ वर्कबुक में कुछ वर्कशीट्स दिखाई दे रही हैं जिसमें शीट वन, शीट टू लिखा गया है, और निचली तरफ दाहिनी ओर स्टेटस बार दिखाई दे रहा है। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था एक्सेल इंटरफेस के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार हम एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इसके कुछ तरीके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। चित्र में ध्यान दीजिए, क्लोज बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे एक्सेल आपका बंद हो सकता है। आप ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, उसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक एग्जिट एक्सेल और एक क्लोज, एरो के माध्यम से दर्शाया गया है। आप क्लोज करेंगे तो आपका एक्सेल फाइल बंद होगा, एप्लीकेशन ओपन ही रहेगा, और एग्जिट में क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। एक्सेल पर शीट किस तरह से क्रिएट की जा सकती है और एक शीट क्या क्या चीज़ें कंटेन करती हैं? जिस प्रकार एक्सेल में हम वर्कबुक क्रिएट करते हैं, ये वर्कबुक नंबर ऑफ शीट्स का कलेक्शन होती है और एक वर्कशीट में बहुत सारी रो और कॉलम्स होते हैं। अमूमन 10 लाख से ज़्यादा इसमें रोज हैं और करीबन 16,000 से कुछ ज़्यादा इसमें कॉलम्स हैं एक शीट पर। इसी प्रकार एक्सेल में आप कुछ सीटें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हैं, आप देख रहे हैं शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। अगर आप नई सीट ओपन करना चाहते हैं, आप न्यू नया वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं, तो आप न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है, ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद न्यू पर क्लिक कीजिए, आप एक नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। और शॉर्टकट का भी सहारा ले सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ एन आप प्रेस करेंगे। अगर आपके पास कोई वर्कबुक पहले से बनी हुई है, आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका चित्र में दिखाई दे रहा है, आप जहाँ पर वो फाइल स्टोर है उस फोल्डर को खोलिए, उसमें डबल क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगी, या राइट क्लिक करके ओपन कीजिए तो भी आपकी बनी हुई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका है, आप ऑफिस बटन पर जाइए, उसमें ओपन ऑप्शन आता है, वहाँ से अपनी फाइल ब्राउज़ कीजिए और ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी वर्कबुक को सेव करना चाह रहे हैं, किस प्रकार कर पाएंगे? ऑफिस मेन्यू पर आप क्लिक कीजिए, सेव बटन आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अन्यथा दूसरा तरीका यह है कि आप सेव का एक आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा टॉप कॉर्नर पर, उस पर भी आप क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है। एक्सेल फाइल्स टाइप्स के बारे में बात करें, अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल्स को एक्सेल सपोर्ट करता है, उसमें से कुछ एक्सटेंशन यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिसको हम एक्सेल फाइल टाइप्स कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 2007 एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट एक्स एल एस एक्स है,
चित्र में आपको कुछ एक्सटेंशन का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार जो इससे पुराना वाला वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003, उसका एक्सटेंशन है .xls, तो कुछ एक्सटेंशन आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। हम किस प्रकार से पूरे एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं, क्लोजिंग अ वर्कबुक आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। हम क्लोज बटन पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बंद कर सकते हैं, या हम मेन्यू ऑफिस मेन्यू में जा कर के एक्सेल एग्जिट एक्सेल पर क्लिक करके बंद कर सकते हैं। किस प्रकार से नई वर्कशीट क्रिएट की जा सकती है, एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, किस प्रकार से हम वर्कशीट को मूव कर सकते हैं, स्विच बिटवीन डिफरेंट वर्कशीट्स चित्र में दिखाई दे रहा है। आप शीट के ऊपर शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी शीट पर माउस का बटन ड्रैग कीजिए और दूसरे प्लेस पर छोड़ दीजिए, शीट मूव हो सकती है। और अगर आप नई शीट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको सिंबल में दिखाया गया है न्यू शीट क्रिएट करने का, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप नई शीट ओपन कर पाएंगे। एक्टिव सेल क्या चीज़ होता है? एक्टिव सेल वो सेल है जो सेलेक्टेड सेल है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। किसी एक सेल को अगर हम बात करें, G4 एक सेल है जिसका नाम है, जी कॉलम है, फोर्थ रो है, उस पर एक सेलेक्टेड सेल है चित्र में दिखाई दे रहा है, जिस पर 300 लिखा हुआ है। इस प्रकार हम ये जान पाएंगे कि ये एक एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल की अगर हम नाम जानना चाहते हैं, वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है, जिस प्रकार चित्र में दिखाई दे रहा है G4, और उसके समीप ही 300 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक बार में, जिसको हम फॉर्मूला बार के नाम से जानते हैं। किस प्रकार से हम एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं। अपने माउस पॉइंटर को दबाइए और उसको ड्रैग कर ले जाइए, चित्र में सेलेक्टेड डेटा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम सेल को या एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट करना सीखेंगे। हम एक्सेल में और क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से एरो कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एरो कीज़, हमारे पास चार तरह की हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम। अगर हम एरो की लेफ़्ट दबाएंगे तो आपका एक्टिव सेल लेफ़्ट की तरफ सेलेक्ट होगा, और राइट की दबाएंगे वो राइट की तरफ जाएगा। मूव अप और डाउन की दबाएंगे वो एक रो ऊपर चले जाएगा, अप की से डाउन की से एक रो नीचे की तरफ चले जाएगा। और इसी प्रकार पेज अप और पेज डाउन से पूरा एक पेज स्क्रॉल अप हो सकता है या स्क्रॉल डाउन हो सकता है। एक्सेल में एक और सुविधा है जिसको हम जूम फीचर कहते हैं। अगर आप किन्हीं चीज़ को लार्जर या स्मॉलर व्यू में देखना चाहते हैं, तो आप जूम फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम साइज बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है, आप उसे चाहें उस स्लाइडर को, चित्र में दिखाई दे रहा है जूम स्लाइडर, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। किस प्रकार एक्सेल का आप हेल्प बटन इस्तेमाल कर सकते हैं? आप F1 प्रेस करके, F1 की कीबोर्ड पे होता है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। एक्सेल में प्रदत्त हेल्प दो तरह की हो सकती हैं, या तो ऑनलाइन मोड में हो सकती हैं, जिसके लिए आपके मशीन पर इंटरनेट का चलना आवश्यक है, अन्यथा ऑफ मोड में हो सकती है। यह आपको ऑनलाइन हेल्प के बारे में दिखाया जा रहा है चित्र में। आप अपना कुछ टॉपिक एक्सेल से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, उसके फंक्शनिंग के बारे में जान सकते हैं। तो ये बात कर रहे थे हम एक्सेल के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, किस प्रकार एक्सेल में वर्कशीट क्रिएट की जा सकती है, और वर्कशीट पर कैसे काम किया जा सकता है, डेटा को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, इवन किस प्रकार हम जूम फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगली कड़ी में हम कुछ और एक्सेल से संबंधित टॉपिक के साथ आएंगे। हम आज के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।